Hello students, welcome to my YouTube channel. Now today we start the topic ruby laser. So first of all we studied about the characteristics of ruby laser. Characteristics kya hoti hai ki ruby laser ek solid state laser hai jise aap 3 level laser bhi bolte hain. Optical pumping ke through work karta hai ye aur jo ruby laser ke andar aapko output milega wo pulses form mein hoga, continuous nahi hoga. To ruby laser ke तीन प्रिंसिपल्स होते हैं. तीन प्रिंसिपल कौन से? फर्स्ट इज एक्टिव मीडियम, सेकेंड इज रेजोनेटर कैविटी एंड थर्ड इज ऑप्टिकल पंपिंग. तो एक्टिव मीडियम में आप क्या बोलोगे कि आपने एक रूबी लेजर ली है. रूबी लेजर क्रिस्टल फॉर्म में या सिलेंड्रिकल रॉड की फॉर्म में है. तो रूबी के अंदर आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स होते हैं और क्रोमियम आयंस. इन दोनों की आप क्या कराते हो, सॉरी क्रोमियम आयंस की आप डोपिंग कराते हो एल्यूमिनियम आयंस में. और कितने परसेंट डोपिंग करानी होती है? 0.05% डोपिंग. इतने परसेंट डोपिंग कराते हो तभी गुड लेजिंग एक्शन आपको प्रोड्यूस होगा. अदरवाइज इससे ज्यादा डोपिंग कराने पे आपको ज्यादा आयंस की, ज्यादा परसेंटेज आयंस की आप डोपिंग कराओगे तो लेजर लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी. सेकेंड इज रेजोनेटर कैविटी. रेजोनेटर कैविटी के अंदर आपके पास दो मिरर्स होते हैं. फर्स्ट मिरर जो होगा कम्प्लीटली सिल्वर्ड पॉलिश एंड सेकेंड एंड जो होता है उसका पार्शली सिल्वर्ड. दो एंड्स है. आप पहले वाले एंड फर्स्ट मिरर में जो लाइट पास कर रहे हो, पहले एंड से जो लाइट पास होगी हमारे पास वो 100% रिफ्लेक्ट होगी. 100% रिफ्लेक्ट होने के बाद जैसे ही वो सेकेंड एंड पे जाएगी तो आपके पास 90% लाइट रिफ्लेक्टिंग होती है और 10% लाइट ट्रांसमिट हो जाती है. तो इसको आप क्या बोलते हो, रेजोनेटर कैविटी. एंड थर्ड प्रोसेस इज पंपिंग सिस्टम. पंपिंग सिस्टम में आप क्या करते हो कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कराना होता है. और पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे अचीव होगा, आपके पास एक कंडीशन होती है N2 की, सेकेंड स्टेट के एटम्स दैट मीन एक्साइटेड स्टेट एटम्स मच मोर ग्रेटर देन द ग्राउंड स्टेट एटम्स. अब हम कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे इसमें. तो कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी कि रूबी रॉड जो है आपके पास एक सिलेंड्रिकल रॉड है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर और डायामीटर भी 5 सेंटीमीटर होता है. कम्प्लीटली सिल्वर्ड फर्स्ट मिरर, सेकेंड मिरर इज पार्शली सिल्वर्ड. रूबी रॉड को जिनोन लैम्प के साथ प्लेस किया गया है और जो जिनोन लैम्प है यहाँ पे जो कनेक्ट की गई है वो कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है. तो रूबी लेजर का जो डायग्राम है आपके पास वो ये है. तो इसमें आपने क्या लिया, एक सिलेंड्रिकल रॉड जो रूबी लेजर जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और जिनोन लैम्प को हेलिकली प्लेस किया गया है रूबी रॉड के ऊपर. तो जिस रूबी रॉड के अंदर जो आपके पास फर्स्ट मिरर है फुली सिल्वर्ड मिरर फर्स्ट एंड सेकेंड मिरर इज पार्शली सिल्वर्ड मिरर. और इस जो जिनोन फ्लैश लैम्प है इसको आपने कनेक्ट किया है कैपेसिटर से पावर सप्लाई से विथ रेजिस्टेंस से. और इस पूरे सिस्टम को आपने प्लेस किया चैम्बर के अंदर. तो अब इसमें होगा क्या, कैसे इसकी वर्किंग करेंगे? तो वर्किंग जो होगी इसमें हमारे पास, जैसे ही आप पावर सप्लाई को ऑन करते हो, पावर सप्लाई ऑन होते ही कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा. अब कैपेसिटर जो चार्ज हुआ यहाँ पे, चार्ज कितने टाइम में चार्ज हुआ, कितनी एनर्जी एमिट, कैपेसिटर चार्ज होते ही जिनोन लैम्प अपनी लाइट, जिनोन लैम्प की लाइट ऑन होगी. और कितने टाइम में, जिनोन के लैम्प की जो लाइट है 10^-3 सेकेंड्स दैट मीन 10^ms में इतनी एनर्जी एमिट करेगा, 1000 joules ऑफ एनर्जी एमिट करेंगे. और इतनी एनर्जी एमिट होने पे रूबी रॉड क्या होगी हमारे पास, रूबी रॉड के अंदर जो एटम्स हैं वो कहाँ जाएंगे हमारे पास, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे. इतने टाइम पीरियड में जा रहे हैं 10^-3 सेकेंड्स में इतने 1000 joules ऑफ एनर्जी देने पे. तो इससे आपके पास जो रूबी रॉड है वो हीट होगी. रूबी रॉड हीट होने पे पूरे सिस्टम को क्या मिलेगी, हीट करेगी. पूरा सिस्टम हीट होते ही, अब पूरा सिस्टम जब आपके पास हीट होगा तो उसके लिए आपको कूलिंग करनी पड़ेगी ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे. टेम्परेचर मेंटेन होने के लिए, इसके लिए हमने इसे चैम्बर में प्रोड्यूस किया है. ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट से जो एटम्स, जैसे आपने जिनोन लाइट ऑन करी थी तो जिनोन लाइट ऑन होते ही
जो एटम्स थे एक्टिव मीडियम्स के अंदर. अब इसके अंदर जो एटम्स है कौन से एटम्स है, क्रोमियम आयंस किसके अंदर, रूबी रॉड के अंदर. वो एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे. एनर्जी को एब्जॉर्ब करते ही वो कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे. और जिनोन में से जो आपके पास वाइट लाइट निकली थी, वाइट लाइट जो निकलेगी वो दो बैंड की फॉर्म में प्रोड्यूस करेगी क्योंकि वो एटम के साथ कोलाइड करेगी. तो वो बैंड जो होंगी ब्लू और ग्रीन बैंड होंगे. इसका डायग्राम है आपके पास ये एनर्जी लेवल डायग्राम. एनर्जी लेवल डायग्राम के थ्रू समझिए. अब आपके पास क्रोमियम आयंस कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में. जैसे आपने हीट करा वो एटम्स कहाँ चले जाएंगे आपके पास, एक्साइटेड स्टेट में. एक्साइटेड स्टेट में दो बैंड हैं आपके पास, एक ग्रीन बैंड और एक ब्लू बैंड. क्योंकि ज़ीनॉन लैंप से जो लाइट निकली थी वो एटम के साथ जब कोलाइड करेगी क्रोमियम आयन के साथ, तो ये दो बैंड प्रोड्यूस होंगे आप 4F1 और 4F2 जिसको हमने एक्साइटेड स्टेट बोला है. तो एटम्स एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद अब वो एटम्स यहाँ पे कितनी देर रुकेंगे, 10^-8 सेकंड के लिए. क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट जो होती है अनस्टेबल है, एटम्स यहाँ पे अनस्टेबल है. तो ये एटम्स कहाँ जाएंगे, मेटास्टेबल स्टेट में. और इस मेटास्टेबल स्टेट को यहाँ पे हमने बोला है 2E स्टेट से रिप्रेजेंट किया है. तो एनर्जी बैंड का जो ट्रांजिशन होगा, जो फोटोन रिलीज होंगे वो 2E स्टेट में जाएंगे. सेम एज इट इज ग्रीन बैंड के फोटोन एमिट होते ही 2E स्टेट के अंदर जाएंगे, दैट मीन्स मेटास्टेबल स्टेट में. और यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है आपके पास 10^-3 सेकंड्स, इसका मतलब यहाँ पे एटम्स लंबे समय तक रह सकते हैं एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट. ओके, एक्साइटेड स्टेट के कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा देर तक रहेंगे, दैट मीन्स पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होगा, अचीव होगा. और जैसे ही आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा यहाँ पे कि N2 इज ग्रेटर देन N1, ठीक है, अब ये एटम्स ग्राउंड स्टेट में आएंगे जो 2E स्टेट के अंदर है. कब आएंगे, यहां तक तो आपके पास ज़ीनॉन लाइट ऑन थी, लेकिन अब जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, क्योंकि 10^-3 सेकंड्स में कैपेसिटर एनर्जी 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी एमिट कर रहे हैं. अब कैपेसिटर नीचे ग्राउंड स्टेट में आने के लिए एटम्स क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ज़ीनॉन लाइट स्विच ऑफ होगी, दैट मीन्स कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा. जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा एटम्स ग्राउंड स्टेट में आते जाएंगे. तो एटम्स जैसे ही ग्राउंड स्टेट के अंदर आएंगे जब आपके पास ज़ीनॉन स्विच ऑफ होगा, ठीक है, तो ये सारे एटम्स इतनी देर में यहाँ पर आ जाएंगे स्विच ऑफ होने पर कैपेसिटर के, या डिस्चार्ज होने पर. तो इट मीन्स N2 में अब कोई भी एटम्स नहीं रहा, सारे एटम्स कहाँ गए, N1 में. कब, जब लाइट स्विच ऑफ हो गई या स्विच ऑफ हुई आपके पास लाइट. फिर उसके बाद जैसे ही थोड़ी देर बाद कैपेसिटर फिर चार्ज होगा, फिर चार्ज होने पर अब ये एटम फिर ग्राउंड स्टेट में जाएंगे. फिर ग्राउंड स्टेट से एटम क्या करें, क्रोमियम आयंस क्या होंगे हमारे पास, फिर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे. एक्साइटेड स्टेट से फिर मेटास्टेबल स्टेट में, जब तक लाइट फिर स्विच ऑन होगी, ठीक है. फिर जैसे ही लाइट कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा फिर वापस से ग्राउंड स्टेट में. तो ये प्रोसेस आपके पास कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा और इसी को आप बोलते हो रूबी लेजर, ठीक है. इससे जो हमारे पास एटम्स एमिट कर रहे थे अपर 2E से ग्राउंड स्टेट में, तो यहाँ पे जो एनर्जी एमिट होगी वो लेजर एनर्जी एमिट होगी. अब ये लेजर एनर्जी कौन सी किस फॉर्म में होगी, स्पॉन्टेनियस एमिशन, क्योंकि इन दोनों बैंड के डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है. क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है कि 0.2 माइक्रोमीटर है ब्लू बैंड की, और ग्रीन बैंड की जो वेवलेंथ है 0.6 माइक्रोमीटर. दोनों बैंड्स की डिफरेंट है. एटम्स की जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी वो भी डिफरेंट है. डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से एमिट कर रहे हैं. एक जो ब्लू बैंड से आपके पास एमिट करो उसकी वेवलेंथ होगी 6943 ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, और ग्रीन बैंड से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए जो वेवलेंथ है 6928 आर्मस्ट्रांग है. दोनों रेडिएशन की वेवलेंथ एमिशन फोटोन फ्रिक्वेंसी डिफरेंट, दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोड्यूस होगा लेजर एनर्जी में जो आपके पास आउटपुट मिल रहा है. और ये जो आउटपुट मिलेगा आपको स्पाइक्स की फॉर्म में मिलेगा. अब ये स्पाइक्स क्या होती है, स्पाइक्स कंटिन्यूस नहीं होती. दैट मीन्स पहले एटम्स इसमें आया, एनर्जी प्रोड्यूस करा, तो दैट मीन्स स्पाइक्स देख लेते हैं क्या है. ये स्पाइक्स होती है. तो लेजर, ये लेजर बीम है जो आपको आउटपुट फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आने के बाद जो लेजर प्रोड्यूस हुई पावर वर्सेस टाइम के बीच में. अब जो स्पाइक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसमें आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो. पावर कैसे निकालोगे, एनर्जी अपॉन टाइम से. एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू एन ऑफ एच कट ओमेगा, नंबर ऑफ एटम्स के लिए,
सिंपल एनर्जी क्या लिखते हो, E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा एन टाइम्स के लिए एन एच कट ओमेगा। अब ये एन वन होगा या एन टू, यहाँ पे एटम्स होंगे एन टू क्योंकि आप पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर रहे हो तो एन टू में एटम्स प्लेस हैं, तो दैट मीन्स एन टू एच कट ओमेगा डिवाइड बाई टाइम। अब ये टाइम जो है आपके पास स्पॉन्टेनियस टाइम, क्योंकि रेडिएशंस जो एमिट हुई हैं वो स्पॉन्टेनियस एमिशंस हैं, तो टाइम भी आप स्पॉन्टेनियस का ही लोगे। एन टू की वैल्यूज पुट करो। अब एन टू की वैल्यूज क्या होंगी, क्योंकि अगर आप टोटल एन की वैल्यूज निकालो तो क्या होगा, एन वन प्लस एन टू, और एन वन एन टू में एन वन एन टू एक दूसरे इक्वल होते हैं, ठीक है। एन वन एन टू आपके पास इक्वल है, कौन से केस में, आपने जो इससे पहले वाली डेरिवेशन करी है उसमें एन वन एन टू एक दूसरे के इक्वल आए से लेजर पंपिंग के अंदर, तो एन वन एन टू की जगह एन वन प्लेस करो तो टू एन वन एन की एन वन की वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, एन बाय टू। सेम एज इट इज एन टू की वैल्यूज कैलकुलेट करो, वो भी एन बाय टू, तो आपके पास टोटल वैल्यूज एन वन एन टू कितनी आएगी, एन बाय टू। अब ये एन बाय टू की वैल्यूज एन टू में प्लेस करो तो पावर इज इक्वल टू एन बाय टू ऑफ एच कट ओमेगा डिवाइड बाय स्पॉन्टेनियस। द नेक्स्ट टॉपिक इज हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। हीलियम नियॉन लेजर एक 4 लेवल लेजर है, क्योंकि अभी तक आपने 3 लेवल लेजर के बारे में स्टडी किया है। अगर 4 लेवल लेजर है तो उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन आप इजिली ऑप्टेन करा सकते हैं, और हीलियम नियॉन लेजर से जो आपके पास आउटपुट मिलेगा वो कंटिन्यूस वेव फॉर्म में होगा। एंड थर्ड इज लेजर इज कैपेबल ऑफ सप्लाइंग कंटिन्यूस लेजर बीम विदाउट द नीड ऑफ इलेबोरेट कूलिंग अरेंजमेंट। जैसे आपने रूबी लेजर के अंदर करा था, वहां पे उस पूरे सिस्टम को आपने कूलिंग सिस्टम के अंदर फिक्स किया था, दैट मीन्स एक चैम्बर के अंदर प्लेस करा था, लेकिन इस हीलियम नियॉन लेजर को आपको कूलिंग अरेंजमेंट में फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेव फॉर्म है वो कंटिन्यूस वेव फॉर्म है, और वहां पे रूबी लेजर के अंदर जो वेव फॉर्म मिली थी वो आपको पल्सिस के फॉर्म में मिल रही थी। एंड नेक्स्ट हीलियम नियॉन लेजर लाइट इज मोर मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मीन्स सिंगल कलर लाइट, दे आर मोर कोहरेंट, ठीक है, मोर कोहरेंट लाइट एज कम्पेयर टू द रूबी लेजर या सॉलिड स्टेट लेजर। नेक्स्ट इज हीलियम नियॉन लेजर लाइट इज इम्प्लॉय इलेक्ट्रिकल पंपिंग। इसमें इलेक्ट्रिकल पंपिंग के थ्रू एटम्स को एक्साइट कराया जाता है अपर स्टेट के अंदर, और हीलियम नियॉन लेजर को आप गैस लेजर भी बोलते हो क्योंकि इसके अंदर गैस एटम्स होते हैं। अब गैस एटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गैस एटम्स जो होते हैं उनके अंदर एनर्जी लेवल शार्प होता है, जितना एनर्जी लेवल शार्प होगा देन शार्प एनर्जी लेवल्स एंड मोस्ट ऑफ द पंप एनर्जी लेवल्स वुड गो द वेस्ट। अगर इसे आप पंपिंग के थ्रू करते हो तो पंपिंग के ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ आपको इलेक्ट्रिकल पंपिंग ही अप्लाई करनी है ताकि एनर्जी लेवल्स आपके पास एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएंगे, और मोस्ट ऑफ द पंप एनर्जी लेवल्स जो होते हैं पंपिंग के थ्रू वो क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, एटम्स के पास इतनी एनर्जी नहीं जा पाती कि वो सारे ही एक्साइटेड हो जाए। ओके, नेक्स्ट अब सबसे पहले हम 4 लेवल लेजर को समझेंगे। 4 लेवल लेजर क्या होता है आपके पास, सेम एज इट इज 3rd लेवल लेजर। ये दोनों स्टेट जो है आपके पास वो मेटास्टेबल स्टेट फॉर्म में रहेंगे, और ये वाली हायर स्टेबल स्टेट। एटम्स एक्साइट करेंगे फर्स्ट स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एंड देन गो बैक टू द 3rd लेवल लेजर, दैट मीन्स जो एटम्स एमिट करेंगे अपर स्टेट से लोअर स्टेट में, दैट मीन्स ये वाली रेडियो फोर्स से 3rd में आने के लिए जो रेडिएशंस होंगी उनकी रेडिएशंस क्या होंगी, फास्टली डिके होंगे, और फास्टली डिके में रेडिएशंस जो मिलेंगी आपको नॉन रेडिएटिव एमिशंस होगा, ठीक है। देन 3rd से 2nd लेवल में आने के लिए, देन 3rd से 2nd लेवल में एटम्स जो एक्साइट होंगे, दैट मीन्स ये दोनों मेटास्टेबल स्टेट्स फॉर्म है, और इन दोनों मेटास्टेबल स्टेट से ही आपको जो रेडिएशंस जो एमिट होंगी एटम्स की एक्साइट करने सॉरी लोअर स्टेट में आने के लिए जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, ठीक है, इसी से आपको लेजर का आउटपुट मिलेगा, और ये रेडिएशंस जो होंगी आपको मिलेंगी वो स्पॉन्टेनियस एमिशन की फॉर्म में होंगी। कौन सी फॉर्म में, स्पॉन्टेनियस एमिशन फॉर्म में, और ये जो होते हैं आपको कंटिन्यूसली वेव्स मिलती रहेंगी, ठीक है। एंड देन 2nd लेवल से एटम्स कहाँ जाएंगे, लोअर ग्राउंड स्टेट में। ओके, अब इसके बाद हम हीलियम नियॉन लेजर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम हीलियम नियॉन लेजर का डायग्राम देखते हैं। तो ये हीलियम नियॉन लेजर का डायग्राम है। हीलियम नियॉन लेजर के डायग्राम में सबसे पहले आपने क्या लिया है, एक हीलियम नियॉन लेजर गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने 2 मिरर्स प्लेस किए हैं। अब ये 2 मिरर्स, पहला मिरर जो है आपके पास फुली रिफ्लेक्टिंग, सेकंड मिरर इज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग,
ठीक है, जो भी लाइट एमिट होंगी आपके पास, वो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो इस सेकेंड मिरर्स के थ्रू मिलेगा, ये आउटपुट है। इसके अंदर आपने गैस डिस्चार्ज के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स फिक्स कराई हैं, जो टीकी फॉर्म में आपको दिख रही है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। और जो हीलियम नियॉन गैसेस हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उनका रेशियो जो आप लोगे वो 10:1 की फॉर्म में लोगे। तो ये था आपके पास डायग्राम। अब इसके थ्रू इसकी कंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे हम। तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन स्टडी करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि हीलियम नियॉन लेजर जो होती है, लॉन्ग नैरो डिस्चार्ज ट्यूब होती है आपके पास, जैसा भी हमने देखा डायग्राम में, उसकी लेंथ जो होगी 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इसके अंदर लेंथ इतनी होगी और डायमीटर 1 सेंटीमीटर होगा। और गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो आप गैस फिल करोगे वो गैस होगी हीलियम नियॉन। किसकी प्रेजेंस में होंगी? क्योंकि हीलियम का और नियॉन दोनों अलग अलग गैसेस हैं, तो दोनों का प्रेशर अलग अलग होगा। दैट मीन्स हमने कितना लिया था, 10:1 के अप्रोक्सीमेट लिया था। तो हमने हीलियम का जो प्रेशर लिया है यहाँ पे 1 mm, और नियॉन का जो प्रेशर है 0.1 mm है। सेकेंड इज द गैस मिक्सचर ऑफ हीलियम नियॉन फॉर्म्स द लेजिंग मीडियम एंड इनक्लोज बिटवीन ए सेट ऑफ मिरर्स फॉर्मिंग रेजोनेंट कैविटी। और इसकी हीलियम नियॉन के अंदर जो आपके पास पूरी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने दो मिरर्स लगाए हैं, जो फर्स्ट मिरर है वो आपके पास फुली रिफ्लेक्टिंग है और सेकेंड मिरर पार्शियली रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग एंड पार्शियली रिफ्लेक्टिंग। पार्शियली रिफ्लेक्टिंग से जिससे आपको क्या होगा, लेजर बीम ऑब्टेन होगी। ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट अब हम इसकी वर्किंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो वर्किंग में क्या होता है आपके पास कि हीलियम एटम्स कैसे एक्साइट करेंगे, जब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे। हीलियम एटम्स को जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तभी वो एटम्स एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। इसके लिए पहले आपको एनर्जी लेवल डायग्राम समझना जरूरी है। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देख लेते हैं पहले। तो हीलियम नियॉन लेजर का सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम आपके पास ये है। आपके एक तरफ आपने लिया है हीलियम एटम्स, एक तरफ नियॉन एटम्स है। शायद आपको ये पूरा डायग्राम ना दिखाई दे इसके अंदर, मैं फिर भी कोशिश करूंगी इसे पूरा दिखाने की। तो वन साइड आपने हीलियम एटम्स लिए हैं और एक साइड आपने लिए है नियॉन एटम्स। हीलियम एटम्स का जो एटॉमिक मास होता है वो आपके पास होगा 4, और नियॉन एटम्स का जो एटॉमिक मास है वो होता है आपके पास 18। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो आप, तो 1s2 और 2s2। इसका मतलब ये नीचे वाली स्टेट जो है 1s है और ऊपर वाली स्टेट जो होगी वो 2s होगी हीलियम के लिए। अब 2s में ये स्टेट आपने कैसे निकाली है, 2 3s1 और 2 1s0। 2s2 है तो 2s2 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 2s और 2s, एक बार s 0 के लिए और एक बार s स्पिन 1 के लिए, या तो एक बार स्पिन जो होगी सिंगलेट होगी या फिर ट्रिपलेट के केस में। s0 के केस में सिंगलेट और s1 के केस में ट्रिपलेट। s0 को जब आप पुट करोगे कौन से केस में, अगर टोटल स्पिन्स निकालते हो 2s+1 से, s0 पुट करो तो आपके पास 1 मिलेगा। तो आप यही जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना, 2s+1 ऑफ lj। तो L0 के लिए तो आपके पास स्पिन के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे 2s+1, एक बार S0 पुट करो तो टर्म्स कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 ऑफ S0। J की वैल्यूज फाइंड कर देना, सेम S की वैल्यूज आपके पास 1 है, यहाँ पे पुट करोगे 2 × 1+1, दैट मीन्स 3 आ जाएगा। तो 2s के हीलियम की दो स्टेट्स आ गई आपके पास, और ये दोनों स्टेट्स मेटास्टेबल्स की तरह वर्क करेंगी। तो एटम्स आपके पास प्रेजेंट कहाँ पर है, हीलियम में। इनको जब आप इलेक्ट्रिकल पंपिंग करोगे तो ये एटम्स कहाँ जाएंगे, इस मेटास्टेबल स्टेट्स के अंदर। कुछ एटम्स जाएंगे 2 3s1 में और कुछ एटम्स चले जाएंगे हमारे पास 2 1s0। ये दोनों मेटास्टेबल स्टेट्स की तरह ही रिएक्ट करेंगी। अब हमारे पास बात करेंगे नियॉन एटम्स की। नियॉन एटम्स का जो एटॉमिक मास होता है वो आपके पास 18 है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। तो आपने क्या करा, इसमें s की स्टेट आप एक तरफ लोगे और p वाली स्टेट एक तरफ। दैट मीन्स हमारे पास s स्टेट हो गई ये वाली 1s2 3s2, और 2p6 और 3p6 हो गए हमारे पास दो स्टेट p वाली। तो s स्टेट को हमने पहले रिप्रेजेंट किया है और p स्टेट को हमने बाद में, अगर इसके बाद भी कोई स्टेट होती तो उसके बाद हम बाद में रिप्रेजेंट करते। तो अब देखो पहले हमारे कितनी s में 3 स्टेट है, तो हमारे पास 1s 2s और 3s। P के लिए कितनी स्टेट्स हैं आपके पास, 2p
और 3p. तो आपने इस साइड में क्या लिया, 2p और 3p. ठीक है, तो नियॉन में से यहां से एटम्स ट्रांसफर नहीं होंगे. अब क्या होगा, आपके पास एनर्जी डायरेक्टली कहां से ट्रांसफर होगी, एटम्स चलेंगे हीलियम से. ठीक है, एक्साइट होंगे, हीलियम से एक्साइट होके इसमें जाएंगे और इसमें जाने के बाद अपनी एनर्जी को ये ट्रांसफर करते हैं नियॉन के अंदर. हीलियम एटम्स नियॉन के अंदर ट्रांसफर करते हैं अपनी एनर्जी को. हमने सबसे पहले नियॉन एटम्स ही ट्रांसफर क्यों नहीं किए, हीलियम एटम्स ही ट्रांसफर क्यों किए, क्योंकि हीलियम एटम्स का जो एटॉमिक मास है वो लोअर है किसके कंपैरिजन में, नियॉन एटम्स के कंपैरिजन में. जिसका मास लोअर है वो एटम्स जल्दी एक्साइट करते हैं, जितना जल्दी एक्साइट करेंगे. ठीक है, और नियॉन एटम्स का एटॉमिक मास 18, दैट मींस इसका हैवियर मास और इसका मास लाइटर. तो लाइटर मास के एटम्स फास्टली एक्साइट करेंगे, इसलिए हमारे पास हीलियम एटम्स को सबसे पहले ट्रांसफर करा गया है. जैसे ही मेटासेबल स्टेट में जाएंगे उसके बाद अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे नियॉन एटम्स में, मेटास्टेबल से मेटास्टेबल में. न्यून एटम्स के लिए ये वाली स्टेट्स क्या है, इसके लिए ये मेटास्टेबल्स की फॉर्म में होंगी. तो अब ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे तो 2-1s के कहाँ ट्रांसफर करेंगे, 3s में, और 2-3s1 के एटम्स अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे 2s वाले के अंदर. अब इन ये एटम्स जब इस स्टेट में आ जाएंगे, स्टेट में आने के बाद ये एटम्स एमिट करेंगे, तो 3s से कुछ एटम्स जाएंगे 3p के अंदर और 3s से जाएंगे आपके पास 2p के अंदर. सेम एज इट इज 2s के जो यहां से 2-3s1 से लेके इसमें जो ट्रांसफर हुआ है 2s में, तो 2s से एटम्स जाएंगे आपके पास 2p के अंदर. क्लियर, और जो 3p के एटम्स है वो डायरेक्टली ये सारे एटम्स कहां एक्साइट करेंगे, अब 1s स्टेट के अंदर, क्योंकि 1s स्टेट में आने के बाद ये एटम्स जाएंगे आपके पास ग्राउंड स्टेट में. और जो इसके अंदर जो मेटास्टेबल स्टेट है हमारे पास, जो मेटास्टेबल स्टेट होंगी यही वाली मेटास्टेबल स्टेट्स होंगी जो आउटपुट मिलेगा, क्योंकि 4-level laser है और 4-level laser में, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 1, 2, 3 और 4. तो 3 और 4 मेटास्टेबल जिसके थ्रू आपको आउटपुट मिलने वाला है. अब इन ये देखो, जब ये एटम्स आपके पास ट्रांसफर हो रहे हैं 3p के अंदर, तो इसकी वेवलेंथ कितनी है, 3.39. 3s से 2p में आने के लिए इसकी वेवलेंथ 6328. 2s से 2p में आने के लिए 1.15 और 2-3p से 1s में आने के लिए ये एटम्स डायरेक्टली एग्जिट कर जाते हैं, एक्साइट करते हैं. तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो किसके थ्रू मिलेगा, 3s से 2p के थ्रू मिलेगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, 6000 अप्रोक्सीमेट आर्मस्ट्रॉन्ग से ज्यादा है इसकी वेवलेंथ, इसलिए आपको लेजर आउटपुट 3s से 2p के अंदर मिलता है. और ये दोनों वेवलेंथ जो होती है इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करेंगे, इसलिए इनसे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा. ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. कंस्ट्रक्शन में क्या है इसमें कि हीलियम न्यून, सॉरी वर्किंग चेक कर लेते हैं. वर्किंग करना क्या है इसके अंदर, वर्किंग में हीलियम एटम्स आपके पास एक्साइट करते हैं, क्योंकि आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे, एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन का इंपैक्ट आएगा. ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट के कारण ये एटम्स डायरेक्टली एक्साइट होना स्टार्ट हो जाएंगे. अब ये हीलियम एटम्स क्या करेंगे, जब अपर एक्साइटेड स्टेट में, दैट मींस मेटास्टेबल स्टेट में पहुंचने के बाद अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं नियॉन एटम्स के अंदर. नियॉन एटम्स के अंदर जो ट्रांसफर करते हैं किसके थ्रू, जब, क्योंकि ये दोनों स्टेट क्या थी आपके पास, बिल्कुल पास है, तो कोलिजन होगा इनके बीच में, तो इन जितनी भी हीलियम के पास एनर्जी है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी नियॉन एटम्स के अंदर. ठीक है, एंड सेकेंडली जब ट्रांसफर होगी तो दैट मींस पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा. और पॉपुलेशन इन्वर्जन किस लेवल के बीच में होगा आपके पास, 3s से 2s स्टेट के बीच में, जो अपर लेवल है, और लोअर लेवल आपके पास क्या था, 3p और 2p. जो हमने डायग्राम में देखा था पॉपुलेशन इन्वर्जन किसके बीच में हो रहा है, 3s और 2p, इसके एटम्स इसमें, इसके एटम्स इसमें, तो दैट मींस n2 स्टेट के अंदर एटम्स ज्यादा आ गए. तो पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पे अचीव होगा, क्योंकि ये अपर लेवल के लिए वर्क करेंगे और ये इसके लिए लोअर लेवल का काम करेंगे. सेम पॉपुलेशन इन्वर्जन जो अचीव हुआ है वो किसकी वजह से अचीव हुआ, क्लोजनेस की वजह से, क्योंकि हीलियम नियॉन एटम्स के ये भी जो लेवल्स हैं बिल्कुल पास हैं. इनकी मेटास्टेबिलिटी जो होगी, हीलियम की आपके पास 2s1 और 3s1 थी, इन्हें मेटास्टेबल स्टेट बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर जो हीलियम गैस का प्रेशर जो होता है आपके पास हायर होगा.
नेक्स्ट हमने डायग्राम के थ्रू क्या बोला था कि ट्रांजिशन हो रहा है, जब एटम्स ट्रांसफर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो उनका ट्रांजिशन होगा, दैट मींस एमिट करेंगे अब. अब एमिट करने पे तो 3s2p में आने के लिए इनके डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ थी, तो इन दोनों की जो फर्स्ट टू वेवलेंथ थी, जिनकी वेवलेंथ कम थी 3.39 1.15 माइक्रोमीटर है, तो ये दोनों जो करते हैं लाइक कहाँ करेंगे, इंफ्रारेड रीजन में. और जिसकी वेवलेंथ 6000 से हाई है, दैट मींस वो हीलियम नियॉन लेजर लाइट को रिप्रेजेंट करेगी, और वो लाइट किसकी फॉर्म में मिलेगी आपको, रेड लाइट की फॉर्म में. ओके अब ये जितने भी एटम्स हैं, द एक्साइटेड नियॉन एटम्स ड्रॉप डाउन फ्रॉम 2p टू 1s स्टेट. अब मेटास्टेबल स्टेट में भी लॉन्गर लाइफ टाइम तक स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन अब ये वापस क्राउन स्टेट में भी आएंगे, तो जितने भी एक्साइटेड न्यून एटम्स है वापस 1s स्टेट के अंदर आएंगे. 1s स्टेट लेवल के अंदर आने पर स्पॉन्टेनियसली फोटोन की वेवलेंथ को एमिट करेंगे, जिसकी वेवलेंथ आपको कितनी मिल रही थी उसके भी 6000 अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ मिलेगी 2p से 1s में आने के लिए, वो भी मेटास्टेबल स्टेट ही होगी. तो न्यून एटम अब 1s स्टेट में आने के बाद वो डायरेक्टली वॉल के साथ कॉन्साइड करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब की, ताकि वे डीएक्साइट हो सके ग्राउंड, ताकि वापस डीएक्साइट हो कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाए. तो ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहेगी, जैसे ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे, ग्राउंड स्टेट में वापस आने के बाद फिर ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, फिर एक्साइटेड स्टेट से फिर इनका यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा. तो ये साइकिल आपके पास कंटिन्यूस होगी, और जो आपको आउटपुट मिलेगी वो कंटिन्यूस वेव फॉर्म में होगी, कंटिन्यूस वेव मोड में. अब इसके अंदर जो पॉपुलेशन इन्वर्जन आपने देखा कैसे अचीव हुआ था, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन का और देख लेते हैं. तो ये था एनर्जी लेवल डायग्राम्स के अकॉर्डिंग. तो क्या बोल सकते हो आप इसके अंदर, कि जो न्यून एटम्स थे वो एक्टिव लेजर कैसे वर्क कर रहे थे, या क्या था, किस तरीके से हमने इसे किया था, ये तो हमारा वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बेस पे था. लेकिन अगर एनर्जी लेवल डायग्राम के तो पूरा समझे, तो हमारे पास क्या आएगा कि जो न्यून एटम्स है वो हमारे पास न्यूट्रल एटम्स होते हैं, एक्टिव लेजर मटेरियल होता है, और बल्कि हीलियम न्यून एटम्स जो होते हैं इसमें बफर गैस की तरह एड करते हैं, ताकि आप इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करा सकते हो. हीलियम एटम के थ्रू पॉपुलेशन इन्वर्जन किस में अचीव कराते हैं, न्यून एटम्स के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं अपनी एनर्जी को, और जब ये एनर्जी अपनी ट्रांसफर करते हैं, इसी ट्रांसफर एनर्जी को आप क्या बोलते हो, रेजोनेंट एनर्जी. ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. अब हीलियम एटम्स मोर एक्साइटेड बाई इलेक्ट्रॉन्स देन न्यून एटम्स, क्योंकि हीलियम एटम्स का मास लाइटर होता है इस कंपेरिजन टू न्यून एटम्स. एटम्स कैन एक्साइटेड आइदर बाई AC और TC पावर सप्लाई. अच्छा, ये एटम्स कैसे एक्साइट कर रहे थे, जब आपने इन्हें वोल्टेज प्रोवाइड करी, कौन सी वोल्टेज, या तो AC या फिर DC पावर सप्लाई के थ्रू एटम्स एक्साइट होना स्टार्ट होंगे. इलेक्ट्रिकल पंपिंग प्रोवाइड किए हैं हमने. तो हमारे पास हीलियम के अंदर दो स्टेट बनी थी, 2s और 2s1. ये स्टेट कैसे आई थी आपके पास, जब आपने s की वैल्यू 0 पुट की थी, ठीक है, 2 × 0+1 2s+1 में, और s1 पुट की थी, तो आपके पास ट्रिपलेट लेवल्स आए थे. तो 2s और 3s, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है लॉन्ग लाइफ टाइम पीरियड था हीलियम, क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट्स हैं, और 1s हीलियम के लिए लोअर स्टेट का काम करेगी. तो हीलियम के 4 एटॉमिक मास, तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1s 2 × 2s2 अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और 2s को आपने पिक कर दिया 2s × 2s, एक हो गया सिंगलेट और एक हो गया ट्रिपलेट लेवल के लिए. तो 2s से मतलब जो आप यहां बोल रहे थे कि एटम्स जो एक्साइट करेंगे हीलियम में ग्राउंड 1s से 2s के अंदर, तो 2s से वापस ग्राउंड स्टेट में नहीं आएंगे. अब ये एटम्स क्या करें, ट्रांसफर करेंगे एनर्जी को, मतलब इनका कोई ग्राउंड लेवल में एटम्स, यही था ना आपके पास, कि यहां से ये 2s के दो लेवल्स थे, एटम्स यहां से एक्साइट कर रहे हैं दोनों लेवल्स में, लेकिन रिटर्न बैक नहीं हो रहे हैं. ये रिटर्न बैक क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इनका कोई ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ में न्यून एटम्स हैं, इसके क्लोजनेस मतलब ये इसके पास में और लेवल्स भी हैं न्यून एटम्स के, इसलिए अपनी एनर्जी को डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं. सेकेंडली, द मेटास्टेबल स्टेट्स ऑफ हीलियम नियरली डिसाइड्स इन एनर्जी 3s एंड 2s स्टेट्स. अब वही बात है कि मेटास्टेबल स्टेट्स की वजह से अब क्या करते हैं, ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये लेवल्स जो होते हैं आपके पास क्लोज होंगे न्यून एटम्स के, और जब क्लोज होंगे तो एटम्स का कोलिजन होगा, न्यून एटम्स हीलियम एटम्स का न्यून एटम के साथ कोलिजन होगा, तो इनकी एनर्जी जो ट्रांसफर होती है उसी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को आप क्या बोलते हो, रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर. ये क्वेश्चन कई बार पुट अप करा जाता है एग्जाम में कि रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है, तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि हीलियम एटम किस तरीके से एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करके बतानी पड़ेंगी. अगर इसी टर्म को आप इक्वेशन के थ्रू समझो, तो इक्वेशन क्या बोल सकते हो, कि हीलियम एटम्स
इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की वजह से एक्साइट करें कि दोनों का कोलिजन हुआ था, तो ये कहाँ चलेगी ग्राउंड से, एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट के लिए हमने हीलियम के साथ स्टार लगा दिया है ताकि ये इसे पता चले कि हीलियम एटम एक्साइटेड स्टेट में है। देन अब एक्साइटेड स्टेट से हीलियम के जो एक्साइटेड एटम्स हैं वो कहाँ जाएंगे, न्योन एटम्स में, तो न्योन एटम के साथ कोलिजन होगा हीलियम प्लस न्योन का। ये हीलियम एक्साइटेड स्टेट के एटम्स प्लस न्योन का कोलिजन जब होगा तो आपको क्या मिलेगा वापस से, हीलियम प्लस में न्योन का एक्साइटेशन। तो ये एक्साइटेशन प्रोसेस जो हुआ था आपके पास इलेक्ट्रिकल पंपिंग के थ्रू प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट, तो 3s 2s बैंड्स ऑफ नियॉन अपर लेजर लेवल, या तो हमने यहाँ पे बैंड से रिप्रेजेंट कर दिया है लेवल्स को, आप बैंड के फॉर्म में भी बोल सकते हो, लेवल भी बोल सकते हो। 3s एंड 2s लेवल ऑफ नियॉन दे आर अपर लेवल लेजर, और 3p एंड 2ps वाले अपर लेवल होंगे और 3p 2p लोअर लेवल रिप्रेजेंट करेंगे। डायग्राम में आपने ये बोला था 3s से 2p की जो वेवलेंथ है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है 3s से 2p में आने के लिए, थ्री एस से 2p में आने के लिए वेवलेंथ कितनी होगी आपके पास, 3.39 आर्मस्ट्रांग, और 2s से 2p में आने के लिए 1.15, और 3s से अगेन 2p में आने के लिए 6.328 आर्मस्ट्रांग, 3s से 3p आएगा यहां पे। तो 3s से 2p में जो इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ आएंगे, 1s लेवल के अंदर जो आपको आउटपुट मिलेगा वो स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू मिलेगा, और 1s स्टेबल, 1s स्टेट क्या करेगी, हमें मेटास्टेबल स्टेट की तरह करती है। देन 1s से एटम्स वापस डेक्साइट आएंगे ग्राउंड लेवल्स के अंदर, फिर ग्राउंड लेवल से वापस उसमें जाएंगी, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा। दैट मीन्स पॉपुलेशन इन्वर्जन आपको अपर लेवल के अंदर ही अचीव होगा। तो ये पूरा था वर्किंग प्रोसेस हीलियम नियॉन लेजर का। देन नाउ नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द हीलियम नियॉन लेजर। एप्लीकेशंस क्या होती है लेजर्स की, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है आपके पास कि हीलियम जो लेजर, सॉरी हीलियम नियॉन नहीं, लेजर की एप्लीकेशंस क्या है। लेजर की एप्लीकेशन जो होती है इनका साइंस और रिसर्च फील्ड में आप यूज करते हो, मेडिसिन में, वॉर, स्पेस, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों में इसका यूज होता है। अब कैसे यूज हो रहा है इन सबका, उसके एक दो दो पॉइंट्स हम देखेंगे। तो साइंस और रिसर्च में कैसे यूज हुआ है कि लेजर बीम जो होती है लॉन्ग डिस्टेंस तक आप पास कर सकते हो, जैसे किसी भी दूर रखे ऑब्जेक्ट को अगर आप फोकस कर रहे हो स्मॉल एरिया पर, तो वो लेजर बीम फाइनली इंटेंस लाइन उस डिस्टेंस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमारे पास हो गया लेजर टॉर्च टू सी ऑब्जेक्ट्स एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, दो रखे ऑब्जेक्ट को आप लेजर के थ्रू देख सकते हो, या फिर लेजर बीम इज ऑल्सो यूज इन 3D लेंसेज फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। सेकेंडली इन मेडिसिन के अंदर, मेडिसिन के अंदर कैसे यूज होता है, जैसे आपके पास या फिर मेडिकल्स के अंदर क्या बोल सकते हो, आई सर्जरी में, जैसे कोरोना ग्राफ्टिंग, लेजर बीम सर्जिकल ऑपरेशन इज कम्प्लीटेड इन सच शॉर्टर टाइम। लेजर के थ्रू आई ऑपरेशन भी किए जाते हैं, वो थोड़े ही समय में हो जाते हैं लेजर वाले ऑपरेशंस एज कंपैरिजन टू अदर ऑपरेशंस, जैसे आंखों के ऑपरेशंस वैसे करते हैं ना दूसरे तरीके से उसमें। तो इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट, लेजर का यूज कैसे करते हो आप इसमें, ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, कैंसर, ट्यूमर, कटिंग्स, इन सब मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है मेडिकल डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज इन वॉर, वॉर के अंदर कैसे यूज किया, ड्यूरिंग वॉर टाइम लेजर्स आर यूज इन डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एनिमी मिसाइल्स, मिसाइल्स को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे लेजर राइफल्स भी आ गए हैं आजकल, लेजर पिस्टल्स भी हैं, लेजर बॉम्ब्स भी हैं, इन सब का यूज आप किससे कर सकते हो, विच कैन बी एम्ड एट द एनिमी इन द नाइट। इन स्पेस में कंट्रोल रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन में, इन कम्युनिकेशन में भी इसका यूज होता है। कम्युनिकेशन में क्या, लेजर बीम इन कंजक्शन, कम्युनिकेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेजर एप्लीकेशंस के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर लेजर का यूज कैसे किया जाता है, क्योंकि लेजर में आप कंजक्शन करते हो विद ऑप्टिकल फाइबर्स। अब ये ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, बहुत ही फाइन जैसे वायर्स टाइप में होती है ना, बहुत थिन वायर्स, इस तरीके की फाइबर्स होती हैं ये। इसमें आप क्या करते हो, इनकी ये ट्रांसफर करती है किसको,
एनर्जीज को या फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफर करने का काम करती हैं। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी? लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी या रेडियो वेव, माइक्रोवेव, किसी की फ्रीक्वेंसी को पास करते हैं। लेकिन जो लाइट वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है किसके कंपेरिजन में? रेडियो और माइक्रोवेव के कंपेरिजन में। लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी जो होगी आपके पास 10^15 हर्ट्ज होती है एज कंपेरिजन टू रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। अब लाइट वेव जो एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कैरियर वेव की तरह एक्ट करेंगी, क्योंकि कैपेबल ट्रांसमिटिंग मोर इन्फॉर्मेशन इन कंपेरिजन टू रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। जो लाइट बीम की वेव्स जो होती है इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा ट्रैवल कर ट्रांसफर कर सकती हैं रेडियो वेव और माइक्रोवेव के कंपेरिजन में। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा वेव ट्रांसफर होंगी या उतनी ही ज़्यादा वेव्स हमारे पास ट्रांसफर होकर जाती हैं रेडियो और माइक्रोवेव के कंपेरिजन में। इंडस्ट्री में कैसे यूज़ करते हो? कटिंग लेज़र का यूज़ कटिंग फैब्रिक में किया जाता है, फॉर क्लोथ ऑन वन एंड स्टील शीट्स को कट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, या फिर मेटेलिक रोड्स कैन बी मेल्टेड एंड जॉइंट बाय मीन्स ऑफ लेज़र बीम्स। तो ये पूरी 6 एप्लीकेशंस थे आपके पास लेज़र्स की। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको क्लासरूम जैसा माहौल दे सकूँ, आप समझ सकें इसे अच्छे तरीके से। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच।